रंग पगड़ी का पीला अपनी ये तर्ज है। हाँ ये तर्ज है। मर्द सुनिएगा, सुनिए कौन सा आदान सा टुकड़ा है, जरा सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है बड़े भी हमारे रवि वर्मा जी भिलवल से। देखिए एक बहुत अच्छे आयोजक तो है ही भैया हमारे, लेकिन प्रेमी बहुत है कीर्तन के। बड़ी दूर दूर तक कीर्तन सुनने जाया करते हैं हमारे भाई रवि वर्मा जी। आपकी तरफ से 101 भैया मुकेश जी के लिए हैं और 251 पद मुद्राएं मेरे लिए आपकी आपने प्रदान किए हैं। ये आपका प्रेम स्नेह है जो सदैव मिलता रहता है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है, सुनिएगा। सुनिए हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। रास्ते में बस उन्हें नारियां मिल गई। नारियां पहले मिली सुरसा, सुरसा नाम अहिन के माता, उनके लिए एक नहीं लिखा, लेकिन उसके आगे मिली निश्चरी एक सिंधु मऊ रही। एक एक क्यों, एक क्यों लिखा, क्योंकि इसके जैसी दूसरी है ही नहीं। ये है कैसी, ऐसी है कि ये कैसी है माया, सुनेगा सुने। ये कैसी है माया खींचे जीवों की छाया, ये कैसी है माया खींचे जीवों की छाया, खींच लेती है किसी की काया, पकड़ लो तो छाया पकड़ में आ जाती है। अगर आप काया पकड़ लेंगे तो छाया पकड़ जाएगी, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि छाया पकड़ ले तो काया पकड़ में आ जाए। लेकिन ये ऐसे ही करती है, जीव ने तुझे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई।
अच्छा जी, खींच लेती है पाया छाया से ही वो माया है माया, तो महाबली से रामदली से सतगुड़ी की सुनाऊ रजगुड़ी की सुनाऊ तमगुड़ी की सुनाऊ सुनिए विलक्षण तीन नारियां लंका की विलक्षण तीन नारियां लंका की तीन नारियां शशिराज जी तीन ही नारियां ऐसी हैं जिनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक का प्रयोग किया है, एक का प्रयोग किया है निश्चरी एक सिंधु मोहर है। अब दूसरी सुनिएगा, दूसरी कौन है? हनुमान जी महाराज जैसे लंका में प्रवेश करने लगे तो लंकनी बोले ये कौन है जो चोरी से अंदर जा रहा है, कौन है? कौन है? नाम लंकनी एक निश्चरी सुनेगा सुने एक ऐसी है नारी, एक ऐसी है नारी चोरों की आहारी, मोर आहार जहां लग चोरा। दूसरी ऐसी नहीं है जो चोरों को खाती हो। एक ऐसी है नारी निश्चरी देहधारी करती है पहरेदारी वो नारी, और महावीर को रणधीर को महावीर को रणधीर को दिखाए होशियारियां। सतगुण की सुनाऊ रजगुण की सुनाऊ तमगुण की सुनाऊ सुनिए लंका की एक का प्रयोग उसे ही किया जाता है जैसे उसके जैसा कोई ना हो। जैसे हनुमान जी गए तो सिंधु तीर एक भूदर सुंदर उसके जैसा कोई नहीं, एक और लंका में गए तो भवन एक पुनी दीन सुहावा एक दूसरा भवन वैसा नहीं था ना? उसी तरह जो नारियां मैं बता रही हूँ दूसरी नहीं है। आखिरी सुनिएगा सुनिएगा जी, राक्षसिया हजारन लंका में राक्षसिया हजारन एक है प्रभु की पुजारन, त्रिजटा नाम राक्षसी एका सुनिएगा जी, राक्षसियां हजार एक प्रभु की पुजार, सिया के सिया के सिया के दुख का निवारण करती तीन जटा धारण निवारण। नाम लंकनी एक निश्चरी और ये त्रिजटा बोले त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। सिया के दुख का निवारण करती तीन जटा धारण निवारण, अरे वो बजरंगी वो सतसंगी वो बजरंगी वो सतसंगी सुने बातें न्यारियां। और न्यारी बातें क्या सुन रहे हैं? के सपने हुआ नर लंका जारी जात उधान सेना सब मारी।
सिला जी। अरे वो बजरंगी वो सतसंगी सुने बात न्यारिया सतगुण की सुना सतगुण की सुनाऊ रजगुण की सुनाऊ तमगुण की सुनाऊ लंका की तीन विलक्षण अपनी प्रेम कहानिया अपनी भैया एक निवेदन है जो लाइव इसको ऐसा कुछ करते हैं जिससे पढ़ने में ठीक ठीक आ जाए क्योंकि लाइटिंग बहुत दूर लगी है। विलक्षण का पीस उसके साथ में विलक्षण गीत हनुमान जी महाराज को तीन नारियां मिल रही हैं सत्वगुणी रजोगुणी और तमोगुणी एक से मुद्राओं का पुरस्कार रवि वर्मा जी भिलवल और खुशी है कल्पना जी का इंतजार पूरा हो गया। हम लोग गाना गाते थे लेकिन तुम कब आओगे तुम कब आओगे लेकिन अब गा रहे हैं कब के बिछड़े हुए हम आज कहां आके मिले समझो तुम सबको बताओ ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां अपनी हनुमान जी को मिली कल्पना जी जवाब में चूक हो जाए तो हो जाए लेकिन अगर सवाल में चूक हो जाए समझो लंका की तीन नारियां लंका की तीन नारियां इसकी लाइट यहां तक आ जाए कल्पना जी पता नहीं हड़बड़ी में गड़बड़ी आपसे कैसे हो गई। अरे लंका की तीन नारियां पहली नारी आपने बताया सुरसा सुरसा लंका की नहीं थी सुरसा को तो देवताओं ने भेजा था कि 100 योजन सागर पार करना है जाओ हनुमान जी की परीक्षा ले लो 100 योजन सागर पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए आपने मुहर लगा दी। लंका की तीन नहीं है लंकिनी है त्रिजटा है लेकिन सुरसा 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 नाम अहिन के माता देवताओं के बल की समझो सुधार कर लो थोड़ी
तीन नारियां मिली रवि भाई, तो तीन मिली तो जवाब में तीन मिले और केवल तीन ही नारियां नहीं मिली, अगर देखा जाए तो नारियां तो तमाम मिली, पुरुष भी तमाम मिले, लेकिन सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी ये खास बात है। ला रहा हूं कि जवाब में भी आ जाए। हनुमान जी महाराज उड़े, सौ जन सागर पार करने के लिए छलांग लगाई, तो पर्वत एक आया, उसी पर पाव जमाया, उसी पर पाव जमाया, मगन हुई पर्वत की काया, ये माया। सैल विशाल देख एक आगे, ता पर धाई चढ़े कभी, ता पर धाई चढ़े भय त्यागे, वह मैनाक पर्वत समझो। और ये एक शब्द राय हमारे लिए और एक शब्द राय जिन्होंने जवाब को लिखा है, ये राजपाल भैया के लिए पारसनाथ अमर जी अमर इस पुरस्कार के लिए ले ओ, ले ओ, लिखते रहो कि पर्वत एक आया में बजरंग के भाया, पाव जमाया, मगन हुई पर्वत की काया, ये माया, ये माया, राम के संगी बजरंग रण रंगी, राम के संगी बजरंग रण रंगी, लेते देते हैं निशान, लेते देते हैं निशान, सतगुणी की सुनाऊ रजोगुणी की सुनाऊ तमोगुणी की सुनाऊ तुमको, मिली नवीन कहानियां बड़ी प्राचीन कहानियां, और दूसरे दूसरे काम मिले, शाहरुख खान निकले, कल्पना जी दूसरे काम मिले समझो, दूसरे हैं कि लंका थी भीषण, लंका थी भीषण, वहां के योद्धा थे भीषण, लंका थी भीषण, वहां के योद्धा थे भीषण, भीषण लोगों के बीच में एक था भक्त विभीषण, भीषण लोगों के बीच में, भीषण असुरों के बीच में रहते भक्त विभीषण, भीषण हरी युक्ति लगाई हर से कपिराई, हरी युक्ति लगाई हर से कपिराई, सुन के उनकी बात सतगुणी की सुनाओ, तमोगुणी की सुनाओ, रजोगुणी की सुनाओ तुमको, ये हसीन कहानियां बड़ी प्राचीन कहानियां, मैनाक पर्वत मिला, भक्त विभीषण मिले, असुरों के बीच में जो राम के भक्त हैं, समझते रहो भाई, जीव तसनन माँ जीव बिचारी, कल्पना जी आप तो स्वयं मानस मर्मज्ञ हैं, समझाने की आवश्यकता नहीं है,
अब देखिए तीसरा कौन मिला समझो। अगर विभीषण ने माता जानकी तक पहुंचाया, माता जानकी तक पहुंचने के बाद अक्षय कुमार को मारा तो मेघनाथ के द्वारा बांध करके लाए गए रावण के दरबार में। कि रावण ठीक आया बहुत है उसको समझाया, कि रावण ठीक आया बहुत है उसको समझाया, किया क्या दशकंधर ने तब पूछ में आग लगवाया, किया क्या दशकंधर ने तब पूछ में आग लगवाया, लगवाया ओघ निराला खाना भाला तब है लाभ हारिया। सतगुणी की सुनाओ, तमगुणी की सुनाओ, रजगुणी की सुनाओ, तुमको है ये नबी